तीन चीज़ों पे आज बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो वो पानी का प्रोजेक्ट है, वो कमिश्नर साहिबा को ख़ास तौर पे मैं कमिश्नर साहिबा किधर है, उसको बुला लें, उनको जरूर, उसको मैं आए इधर आए प्लीज। तो मैं इनको खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि हमारा जो सारा ये खटक बेल्ट का इलाका था, ये पहाड़ी इलाका था, इसमें सबसे बड़ा मसला पानी का था। और जब से, और यानी मैं 26 साल से जब पॉलिटिक्स में मियांवाली में शुरू किया, तो बेचारे सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पानी का लिए उनका मसला बना हुआ था। तो ये जो प्रोजेक्ट बना है, ये इतना यानी बुनियादी ज़रूरत है एक इंसान की, पानी। और मुझे ये बड़ी खुशी हुई, और आपकी कमिश्नर साहबा आपकी एफर्ट्स की वजह से अब वो इलाका जिधर कभी वो जानवर और इंसान एक ही जगह पानी पीते थे, अब उनको एक साफ पानी मिल रहा है। तो ये एक तो मुझे इसकी बहुत खुशी हुई। दूसरी चीज़, ये जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया मियांवाली के अंदर, और ये डॉक्टर यास्मीन आपका इनिशिएटिव है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो डिलीवरी पे ख़्वातीन की मौत होती है, मरती हैं जो ख़्वातीन, वो दुनिया में तकरीबन हम सबसे ज़्यादा है। तो ये, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास बड़े शहरों के बाहर फैसिलिटीज़ ही नहीं है मदर एंड चाइल्ड ये हॉस्पिटल जिस तरह ये बना है। तो ये जो मियांवाली में बना है, ये सिर्फ मियांवाली का नहीं करेगा, बल्कि वो DI खान से लेके लकी मरबत, वो सारे जो इलाके हैं इर्द गिर्द, जिधर कोई जाने की जगह नहीं थी ख्वातीन के लिए, प्रेगनेंसी में, कॉम्प्लिकेशंस में, डिलीवरी में, तो ये तो एक बहुत बड़ी एक नेमत है वो सारे इलाके के लिए। तो मैं आपको भी, सारी टीम को, जिस तरह इसको मुकम्मल किया, मैं आप सबको इसके ऊपर भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। तीसरी चीज़, हेल्थ कार्ड। मुझे अपनी हुकूमत की, जब हमारे जो 3.5 साल थे, उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी होती थी वो हेल्थ कार्ड की थी। हमने शुरू किया पख्तूनख्वा से, और माशाल्लाह सारा पख्तूनख्वा कवर्ड है हेल्थ कार्ड से, यानी हर ख़ानदान के पास हेल्थ कार्ड है कि 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है कि किसी भी अस्पताल में जाके, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 10 लाख रुपए तक एक ख़ानदान अपना मुफ्त इलाज करवा सकता है। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट था, ये शुरू हुआ पख्तूनख्वा से, फिर पंजाब में आया, और पंजाब बहुत बड़ा है। अब तक 30 अरब रुपया खर्च हो चुका है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, यानी लोगों के इलाज के ऊपर। और मैं समझता हूं कि ये एक घराने के लिए सबसे बड़ी नेमत है कि जब वहां बीमारी हो घर में, और उनके सिर्फ ये, क्योंकि पैसा ना हो, और इस पैसा ना होने की वजह से वो अपना इलाज ना करवा सकें, बाप बेटे की, बच्चों की। तो मैं समझता हूं कि ये एक जो हेल्थ कार्ड है, ये पाकिस्तान का वो इनिशिएटिव है जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज हुआ है। लांसेट एक इंटरनेशनल हेल्थ मैगजीन है, उसने मेंशन किया कि अमीर मुल्कों के अंदर भी, पाकिस्तान से बहुत अमीर मुल्कों के पास भी ये फैसिलिटी नहीं है कि एक हर ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो 10 लाख रुपए की। मुझे अफसोस ये है कि जब से हमारी हुकूमत गई है, तो ये पीछे हट गया ये इनिशिएटिव। इससे हेल्थ कार्ड के ऊपर वो फेडरल गवर्नमेंट की वो नज़र नहीं है, और हमें मसले मसाइल आने शुरू हो गए हैं उसके, क्योंकि वो जो फंडिंग है, वो जो फेडरल गवर्नमेंट, जब हम थे, वो नहीं कर रहे। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा जुल्म करेंगे, क्योंकि एक ऐसा इनिशिएटिव पाकिस्तान में जो ये नहीं सिर्फ कि गरीब घराने के पास, हर घर के पास, एक ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। इससे बड़ी बात यह है कि इससे प्राइवेट सेक्टर देहातों के अंदर जाना शुरू हो गया था, और अभी अभी लोगों ने हस्पताल बनाने शुरू हो गए हैं छोटे छोटे शहरों में, इलाकों में, गाँव में, प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि अब हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से लोग पैसे दे सकते हैं। लोगों के पास पैसा है इलाज करवाने के लिए हेल्थ कार्ड की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक पूरा एक नेटवर्क हस्पतालों का फैल जाएगा पाकिस्तान में, प्राइवेट सेक्टर देहातों के अंदर जाएगा, जिधर पहले कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो इसलिए ये हेल्थ कार्ड का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट को अब बालातर हो जाना चाहिए इससे, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने शुरू किया तो इसको आगे ना बढ़ाया जाए। ये मुल्क की ज़रूरत है और ये हमारे फ्यूचर में के सारे इलाकों के अंदर, डिप्राइव्ड इलाकों में जिधर बदकिस्मती से कई गवर्नमेंट सरकारी जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ स्टाफ ही नहीं होता, तो हेल्थ कार्ड की वजह से प्राइवेट सेक्टर उन इलाकों में चला और जा रहा है और शुरू हो गया जाना। तो ये हेल्थ कार्ड का कामयाब होना पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है और इंशाअल्लाह ये मुझे जो पंजाब के अंदर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर पूरी तरह हेल्थ कार्ड सारा पंजाब कवर करें इसके अंदर। 29 लाख लोग इसकी सहूलत ले चुके हैं, 29 लाख लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। तो मैं फिर से मुबारक देता हूँ ये डॉक्टर साहब, ये जो बड़ा इनिशिएटिव है, अख्तर आपको भी कि ये जो इनिशिएटिव है, और कमिश्नर साहब आपको ये जो पानी का बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट था ये, कि ऊपर पहाड़ी इलाकों के ऊपर साफ पानी पिलाने।